ग्राम प्रधान उपचुनाव में मतगणना पूर्ण नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को पुलिस सुरक्षा में गांव भेजा। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद ब्लॉक के बासदेवमई गांव में निवर्तमान प्रधान का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने पर हुए उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें नीरज को 613 वोट मिले। उनके निकटतम प्रत्याशी भारत सिंह को 517 वोट मिले, नीरज विजयी हुए। गांव दिकतौली में निवर्तमान प्रधान सुरेश चंद्र के निधन के बाद हुए उपचुनाव मतगणना पूरी हुई। इस गांव में श्याम सुंदर विजयी रहे। श्याम सुंदर को 537 वोट मिले। निकटतम प्रत्याशी अजय को 500 वोट मिले, 37 वोट से श्याम सुंदर विजयी हुए। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, विजयी घोषित प्रत्याशियों को पुलिस सुरक्षा में गांव भेज गया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। जिसकी मतगणना हुई है, क्या रहा? आज जो चुनाव हुए थे 6 तारीख को, उसका आज मतगणना का परिणाम जारी हुआ। ग्राम दिकतौली से श्याम सुंदर जी विजयी हुए हैं और वासदेवमई से नीरज भर्रा जी को विजयी घोषित किया। ठीक। श्याम सुंदर जी, आप प्रधान बने हैं दिकतौली से, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता ये ऊंचा तो मैं विकास करूंगा गांव का, लोगों की समस्याएं सुनूंगा जी। हाँ, जितना आएगा वो लोगों के संबंध में जो हर बात को पूरा करूंगा। दिकतौली की जनता ने आप पर विश्वास जताया है, आप उस विश्वास को किस प्रकार उतरेंगे? मैं मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनको इससे करूंगा जो उनका जो भी काम होगा उसको जो है पूरी तरह से करूंगा, पूरी कोशिश से करूंगा। मेरा नाम नीरज धनराज है जी। किस गांव से आप प्रधान चुने गए हैं? मेरा गांव वासदेवमई है, मेरी पूरा पंचायत पड़ती है ग्राम वासदेवमई जी। और उस समय यहां उपचुनाव हुआ है और उसमें उपचुनाव में विजयी घोषित हुआ। आपको पर वासदेवमई की जनता ने विश्वास किया है, आप किस प्रकार विश्वास खड़े उतरेंगे? देखिए सर, हमारे गांव की वासदेवमई की जो जनता है वो एक सही निर्णय चाहती है, और इस बार जो मत मिला है मुझे वो एक ऐसा निर्णायक मत मिला है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचारता की जो जड़ें थी उसको हमारे गाँव की जनता ने जड़ से ख़त्म करने का काम किया है, मैं उसको हृदय से प्रणाम करता हूँ।